बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे बच्चों, आज हम क्लास 5 की मैथ्स में एक्सरसाइज 1.6 पढ़ेंगे। मिक्स ऑपरेशंस ऑफ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन एंड मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन। बच्चों, बहुत ही आसान एक्सरसाइज है, आप लोगों को मजा आएगा इसको करते हुए। तो हम शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें देखिए जरा 45 + 44 - 28 है। सबसे पहले हम प्लस वाले नंबरों को प्लस करेंगे, उसके बाद माइनस कर लेंगे। इसको प्लस करने का तरीका यूं है कि पहले डिजिट्स को आप ऐड करेंगे, यानी 5 और 4 को प्लस करोगे तो 9 हो जाएगा, और 4 और 4 को प्लस करेंगे तो ये 8 होगा। ऊपर से -28 को हम नीचे लेकर आएंगे। वैसे भी आप इसको रफ वर्क में कर सकते हैं, रफ वर्क में 45 + 44 ऐसे भी कर सकते हैं आप, 5, 4, 9, 4, 4, 8, फिर आप इस नंबर को इधर लाके लिखें, ऊपर से -28 चेंज करा जाए। अगर आपने माइनस करना है इस तरीके से, आप डायरेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपको मेरा तरीका बताया। इसका पहला नंबर हम इसके पहले नंबर को प्लस करेंगे, इसके दूसरे नंबर को इसके दूसरे नंबर के साथ प्लस करेंगे, तो आपके पास 8 आ जाएगा। अब अगर इस तरीके से आप नहीं कर सकते हैं, तो आप इस तरह वर्टिकल फॉर्म में इधर रख करके आगे लाके आप लिखें। अब 89 - 28 माइनस करें, 9 में से 8 प्लस करेंगे तो 1, 8 में से 2 प्लस करेंगे तो 6। अगर आप यहां पर डायरेक्ट करना चाह रहे हैं तो 9 में से 8 प्लस करेंगे तो 1 आ जाएगा, 1, और 8 में से 2 प्लस करेंगे तो ये 6 होगा। ये होगा भाई इस क्वेश्चन का आंसर। इसी तरीके से यहां पे देखें आप क्वेश्चन नंबर 5 है। क्वेश्चन नंबर 5 में 78 - 70 + 27 है। इसमें देखिए माइनस वाला नंबर जो प्लस वाला नंबर जो है ना, ये आखिर में इस प्लस वाले नंबर को आगे लेकर आए 78, और इधर से +27 को हम आगे लेकर आएंगे और -70 को हम बाद में लिखेंगे। अगर आप चाहें तो आप यहां पे भी आप इन दोनों को ऐड कर सकते हैं, जिस तरीके से मैंने आपको बताया था तरीका। अगर जैसे देखें, अभी मैं सिखाता हूं आपको कि 7 और 8 को ऐड करेंगे तो 15 हो जाएगा। 5 लिखेंगे, 1 कैरी करेंगे, 7 और 2 9 होगा, 9 में 1 ऐड करेंगे तो 10 होगा। अगर आप उस तरीके से समझ में नहीं आता है, आप यहां पे रफ वर्क करें, और रफ वर्क में जो है ना, आप इन दोनों को ऐड करें, 78 + 27, 7 और 8 15, 1 कैरी करेंगे आप, 1 और 7 8 होगा, 8 और 2 जो होगा वो 10 कहलाएगा। ऊपर से -70 को हम नीचे लेकर आएंगे। इसी तरीके से 105 में माइनस करेंगे 70 को, 5 में से 0 को माइनस करेंगे तो 5 ही आ जाएगा, यहाँ पर 10 है, 10 में से 7 को लेस करेंगे तो 3 आएगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 35। इस क्वेश्चन का आंसर 35 आ गया। अब बच्चों, कुछ क्वेश्चन जो है ना डिवीजन और मल्टीप्लिकेशन में, इसमें आपने क्या करना है, पहले डिवीजन को आपने सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। जिस तरह यहाँ पे एडिशन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले हमने एडिशन को सॉल्व किया था, उसके बाद सब्ट्रैक्शन को सॉल्व किया था, और यहाँ पे डिवीजन और सब्ट्रैक्शन वाले क्वेश्चन में सबसे पहले आपने डिवीजन को सॉल्व करना है, उसका जो आंसर आएगा उसको आपने अगले नंबर के साथ मल्टीप्लाई करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 8 को हम सॉल्व करते हैं। यहाँ पे देखिए जरा, 24 / 4 है। आपको देखना है 4 के टेबल में 24 कब आएगा, आपने 4 का टेबल पढ़ना है और 24 लेके आना है। तो देखिए 4 6 times 24 होगा, और मल्टीप्लाई बाय, ऊपर से हम 6 को नीचे लेकर आएंगे। अब 6 को 6 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 होगा, ये आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर 12 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 12 में यहां पर देखिए 72 / 9 * 8 है। सबसे पहले हम डिवाइड को सॉल्व करेंगे, हम 9 का टेबल पढ़ेंगे, उसमें देखेंगे भाई 9 को हम किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करें कि 72 आएगा। 9 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 72 आएगा। यहां पे अगर आप रफ वर्क करके दिखाना चाहते हैं तो 72 / 8 इज इक्वल टू 8 9 times 72, तो यहां पे हम 8 लिखेंगे। मल्टीप्लाई बाय 8 को हम नीचे लेकर आएंगे, और 8 को 8 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे, 8 8 times 64। क्वेश्चन नंबर 14, यहां पे देखें 15 * 100 को, 100 को हमने 10 से डिवाइड करना है, तो 10 का टेबल हमने पढ़ना है,
10 के लेवल में 10 को किस नंबर के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा, 10 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 100 आ जाएगा। तो 100 डिवाइडेड बाय 10 की जगह में 10 लिखेंगे। अब हमारे पास 15 मल्टीप्लाई बाय 10 आ गया, 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लीकेशन के क्वेश्चन में मैंने आपको सिखाया था जब भी किसी जीरो वाले नंबर से आप अगले नंबर को मल्टीप्लाई करेंगे तो उसमें जितने जीरो होंगे उतने जीरो आपने अगले नंबर के साथ आपने बढ़ाना है, अगले नंबर के साथ आपने बढ़ाना है। जैसे देखिए 15 मल्टीप्लाई बाय 10, 10 को 15 के साथ मल्टीप्लाई करें, यहाँ 10 के पास एक ही जीरो है तो 15 के साथ हम एक जीरो लगा लेंगे। अगर यहाँ पे दो जीरो हो यानी 100 हो तो हम 15 के साथ दो जीरो लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें हम अगर 15 को 10 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 150 इसका आंसर आ जाएगा। तो बच्चों इसी तरह हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13 है, 13 में देखें 13 में 99 डिवाइडेड बाय 11 है तो हमने देखना है कि 11 के टेबल में 99 कब आएगा। 99 डिवाइडेड बाय 11 तो 11 9 टाइम्स 99 होगा तो यहां पर हम लिखेंगे 9 मल्टीप्लाई बाय 4, 4 9 टाइम्स या 9 4 टाइम्स 36 होगा, 36 का आंसर आ गया। तो प्यारे बच्चों ये था आज की एक्सरसाइज 1.6। इस एक्सरसाइज के अंदर जितने क्वेश्चन बचते हैं वो आपने करना है। इंशाल्लाह अगले एक्सरसाइज के साथ फिर हम हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।